गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू टीच सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 3, थ्री थीव्स एंड अ वाइज जज, तीन चोर और एक चालाक जज। वंस थ्री थीव्स स्टोल अ पॉट ऑफ गोल्ड इन अ टाउन, एक बार तीन थीव्स मतलब तीन चोर ने सोने से भरा हुआ पॉट को टाउन से चुराया। Then they decide to go to their village. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने विलेज में अपने हम सब अपने गांव चले जाएंगे। While they were on their way, it became very dark. जब वो रास्ते में जा रहे थे तब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। They were afraid as they had gold with them. उन्हें डर लग रहा था, उन्हें डर था क्योंकि उनके पास में सोने से भरा हुआ एक पॉट था। Their leader said, I fear we can't reach our village safely with all this gold. Let's stay here in some lodge. उन्होंने उनके लीडर ने कहा, थ्री थीव्स थे जो उनका लीडर था, तीनों में से जो एक लीडर था उसने कहा कि मुझे डर लग रहा है कि मैं इस गोल्ड के साथ में विलेज में मैं अपने विलेज तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे डर है कि मैं है ना इस गोल्ड के साथ में विलेज तक सेफली नहीं पहुंच पाऊंगा, इसीलिए हम यहीं पे कहीं लॉज में रुक जाते हैं। लॉज का मतलब उधर ठहरने की जगह। आफ्टर अ सर्च दे रीच द हर्ट ऑफ एन ओल्ड वुमैन हु एग्रीड टू लेट देम स्टे फॉर द नाइट। बहुत ढूंढने के बाद में उन्हें एक ओल्ड वुमैन की झोपड़ी दिखाई गई। वो वहाँ तक पहुँचे और ओल्ड वुमैन ने उनको नाइट स्टे करने के लिए एग्री कर लिया। नन ऑफ द थीव्स ट्रस्टेड एनी ऑफ हिज कंपेनियन विद द पॉट ऑफ गोल्ड। तीनों थीव्स में से किसी को भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, किसी को भी एक दूसरे अपने साथी के ऊपर भरोसा नहीं था उस गोल्ड को लेके। सो दे डिसाइडेड टू कीप इट विद द वुमैन, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस पॉट को ओल्ड वुमैन को दे देता हूँ। दे सेड टू हर, प्लीज कीप दिस पॉट विथ यू, डोंट गिव इट टू एनी वन टिल ऑल द थ्री ऑफ अस टुगेदर कम एंड आस्क फॉर इट। उन्होंने उन तीनों थीव्स ने उस ओल्ड वुमैन को कहा कि प्लीज़ इस पॉट को आप अपने पास रखिए और ये पॉट किसी को भी मत देना जब तक हम तीनों लेने नहीं आए। अगर हम एक एक करके आए तो आप इस पॉट को किसी को भी नहीं देना, अब जब हम तीनों साथ में आए तभी आप ये पॉट हमें देना। They told the old woman that they would stay there for the whole night and would take it back in the morning. तीनों thieves ने old woman को कहा कि हम आपके घर पे एक रात stay कर रहे हैं और morning में इस spot को हम वापस ले लेंगे। They also requested her to keep it in the safest place of her hut. उसने तीनों थीव्स ने ओल्ड वुमेन से रिक्वेस्ट भी किया कि आप इस पॉट को अपने हट की अपने झोपड़ी की सबसे सेफ प्लेस पर इसे रख दीजिए। द थीव्स वर हंग्री एंड देयर वॉज नो अरेंजमेंट ऑफ फूड विद द ओल्ड वुमेन। तीनों थीव्स थे वो बहुत ज़्यादा हंग्री थे, वो उनको भूख लग रही थी पर ओल्ड वुमेन के पास में इतना कुछ उनके लिए खाने के लिए नहीं था। सो दे कुक देयर ओन डिनर, इसीलिए उन्होंने अपना खाना खुद से पकाया। When they had eaten, they sat under a tree and began to talk. जब उन्होंने खाना खाया तो वो पेड़ के नीचे बैठ गए और बातें करने लग गए। The youngest thief wanted to get the pot of gold for himself. सबसे छोटा जो thief था वो चाहता था ये जो pot है gold का भरा हुआ ये मुझे मिल जाए। He was very clever, so he was trying to think of a plan. वो बहुत ज़्यादा चालाक था इसलिए वो कुछ प्लान कर रहा था। Just then a woman came there selling curd. Let's buy some curd, said he. और फिर तब ही जब दाना एक वुमेन आई जो कर्ड बेचने वाली थी, कर्ड का मतलब होता है दही बेचने वाली एक वुमेन आई और उसने यंगेस्ट थीफ ने कहा चलो हम कुछ थोड़ा दही खरीद लेते हैं। द लीडर ऑफ द थीव्स ऑल्सो फॉन्ड ऑफ कर्ड, जो लीडर था थीव्स का उसे भी कर्ड का बहुत ज़्यादा शौक था। फॉन्ड का मतलब शौक होना, मतलब बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता था। सो ही एग्रीड, इसीलिए वो भी मान गया। ही सेड टू द यंगेस्ट थीफ, उसने यंगेस्ट थीफ से कहा मतलब सबसे छोटे थीफ से कहा, गो एंड ब्रिंग अ पॉट फ्रॉम द ओल्ड वुमैन, उसने कहा कि जाओ ओल्ड वुमैन से एक पॉट लेके आओ। खाली पॉट के लिए बोला था उसको लाने के लिए। The clever thief was
ईगर टू गेट एन अपॉर्चुनिटी विच ही गॉट। और क्लेवर थीफ, वो जो थीफ था वो बहुत ज़्यादा क्लेवर था, उसको तो चांस मिल गया क्योंकि उसने उसके जो थीफ था वो जो लीडर था थीफ को, उसने बोला था एक ओनली पॉट लाने के लिए, और ना ओल्ड वुमेन को लगा कि वो सोने वाला पॉट के लिए बात कर रहे हैं। द क्लेवर थीफ वॉज ईगर टू गेट एन अपॉर्चुनिटी विच ही गॉट। तो क्लेवर थीफ बहुत ज़्यादा चालाक था, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक चांस मिल गया। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है चांस, एक चांस मिल गया पॉट लाने का। ही एट वंस वेंट टू द ओल्ड वुमेन एंड आस्क हर टू गिव द पॉट दे हैड गिवन हर। तो उसने जाके ओल्ड वुमेन से कहा सबसे पहले तो कि मुझे पॉट दो जो हमने आपको दिया था। बट द ओल्ड वुमेन रिफ्यूज एंड सैड that this his leader had asked her not to give the pot to anyone of the man। तो old woman ने refuse का मतलब होता मना कर दिया, old woman ने pot देने से मना कर दिया क्योंकि उसने कहा आपका जो leader है, आपके leader ने मुझे कहा था कि किसी को भी, किसी भी single man अगर आए लेने के लिए तो उसे pot नहीं देना है। at this द यंग थीफ सेट डियर मदर आर लीडर हिमसेल्फ हैज सेंट मी टू गेट द पॉट। तो वापस उसने, यंग थीफ ने कहा कि मुझे उस लीडर ने ही स्पॉट लाने के लिए भेजा है। द ओल्ड वुमैन वॉज टू बिजी टू गो आउट एंड आस्क द लीडर। शी शाउटेड फ्रॉम इनसाइड द हाउस टू आस्क द लीडर वेदर शी शुड गिव द पॉट टू द यंग मैन। इसीलिए ओल्ड वुमेन जो थी वो बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकती थी, लीडर को पूछने के लिए। इसीलिए वो घर के अंदर से ही चिल्ला के, शाउटेड का मतलब होता चिल्लाना, अच्छा घर के अंदर से ही चिल्ला के उसने पूछा लीडर को कि मैं यंग मैन को ये पॉट दे दूँ या नहीं दूँ। द मैटर वॉज नॉट क्लियर टू एनीबडी, किसी को भी मैटर क्लियर नहीं हुआ क्योंकि ओल्ड वुमेन को, सॉरी लीडर को लग रहा था वो खाली पॉट लेने आया है दही के लिए, बट वो अंदर आके क्या मांग रहा था, सोने से भरा हुआ पॉट। द लीडर डिड नॉट अंडरस्टैंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट द पॉट ऑफ गोल्ड। लीडर को नहीं समझ में आया कि वो पॉट सोने से भरा हुआ पॉट की बात कर रही है। He had asked his companion to bring a pot for the curd, so the leader shouted from outside, "Give it to him." क्योंकि उस लीडर ने अपने कंपेनियन, अपने साथी को बोला था कि कर्ड के लिए पॉट लाने के लिए, मतलब खाली पॉट लाने के लिए, इसीलिए लीडर ने बाहर से ही चिल्ला के आंसर दे दिया कि ये जो पॉट है आप उसे दे दीजिए। So the old woman gave the pot of gold to the young man, and he at once ran away with it. तो इसीलिए ओल्ड वुमेन ने सोने से भरा हुआ पॉट यंग मैन को दे दिया और वो एक बार वहाँ से भाग गया, रैन अवे मतलब दूर भाग गया। द लीडर ऑफ द थीव्स वेटेड फॉर सम टाइम देन ही वेंट इनसाइड द हट। जो थीव का जो लीडर था उसने थोड़े समय तक तो उसका इंतज़ार किया, यंगेस्ट थीव का, ताकि वो पॉट लेके आए ताकि फिर उसमें हम कर्ड डालें और कर्ड खाएं, बट वो पॉट लेके आया ही नहीं। उसने काफ़ी टाइम तक उसने इंतज़ार किया और फिर वो अंदर जाके घर के अंदर चला गया, झोपड़ी के अंदर चला गया। ही सून फाउंड आउट एवरीथिंग, और वो जल्दी उससे सब कुछ पता चल गया। ही अक्यूज द ओल्ड वुमैन ऑफ बींग केयरलेस एंड आस्क हर टू पे हिम फॉर द गोल्ड, लॉस्ट गोल्ड। ही अक्यूज द ओल्ड वुमैन, वो ओल्ड वुमैन के ऊपर, ओल्ड वुमैन को डांटना स्टार्ट कर दिया, ओल्ड वुमैन के ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। उसने ओल्ड वुमेन पे इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारी एक गलती की वजह से, तुम्हारी केयरलेसनेस की वजह से है ना ये हमारा जो सोने का पॉट है वो हमसे चोरी हो गया। एंड आस्क हर टू पे हिम फॉर द लॉस्ट गोल्ड, और उसने लीडर ने ओल्ड वुमेन से कहा कि अब तुम मुझे जो मेरा सोना चोरी हुआ है उसके लिए तुम मुझे पे करोगी। शी वॉज टेकन अ बैक एज शी वॉज इनोसेंट, वो क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं था और वो प्रूफ कर रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। शी वॉज टू पुअर टू पे इवन अ बिट ऑफ गोल्ड, वो इतनी गरीब थी कि उसके पास में एक सोने का एक सिक्का भी नहीं था। शी बैग द लीडर टू फॉरगिव हर एंड फेल एट हिज फिट, बट इट वॉज ऑफ नो यूज। उसने ओल्ड वुमेन ने लीडर से माफ़ी भी मांगी, वो उसके पैरों पर भी गिर गई कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, बट ये भी कुछ मतलब का नहीं रहा क्योंकि वो जो लीडर था वो बिल्कुल भी नहीं माना।
देन द ओल्ड वुमैन अप्रोच द किंग एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी। फिर ओल्ड वुमैन ने कहा कि हम किंग के पास में चलेंगे और किंग को सारी स्टोरी बताएंगे। सो द किंग सैट सो द किंग सेंट फॉर हिज वाइस मिनिस्टर हु वॉज नोन फॉर हिज जजमेंट। इसीलिए किंग ने क्या किया, उसके वाइस मिनिस्टर मतलब सबसे चतुर मिनिस्टर को भेजा जो न्याय के लिए फेमस था, जो न्याय के लिए मान जाना जाता था। द ओल्ड वुमैन नरेटेड द होल स्टोरी टू द मिनिस्टर। ओल्ड वुमैन ने शॉर्ट के अंदर नरेटेड का मतलब पूरी सब चीज़ें पूरी घटना उसको बताई, बताना, नरेटेड का मतलब बताना। ओल्ड वुमैन नरेटेड द होल स्टोरी टू द मिनिस्टर। ओल्ड वुमैन ने पूरी घटना पूरी स्टोरी जो थी वो मिनिस्टर को बताई। द मिनिस्टर फिक्स्ड अ डे फॉर ट्रायल। ऑन द डे ऑफ द ट्रायल द कोर्ट वॉज फुल ऑफ पीपल ईगरली वेटिंग टू सी हाउ द मिनिस्टर वुड डिसाइड द केस। सबसे पहले मिनिस्टर ने एक दिन की ट्रायल ली, एक दिन वो फिर मतलब केस चला, तो उसने पूरी जांच पड़ताल की, पूरा ध्यान रखा। फिर एक दिन तो कोर्ट में सब पीपल से पूरी मतलब सब लोग, इतने सारे लोग आ गए कि सब लोग जानना चाहते थे कि मिनिस्टर जो है वो केस को कैसे सॉल्व करता है। द रिमेनिंग टू थीव्स इंक्लूडिंग द लीडर ऑल्सो केम देयर। और टू थीव्स जो चोर थे और उसके साथ में उसका जो लीडर था वो भी वहाँ पे कोर्ट में आया। The leader of the thieves accused the old woman of her carelessness. जो लीडर था थीव्स का वो ओल्ड वुमैन के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लग गया उसकी केयरलेसनेस की वजह से। द ओल्ड वुमैन बैग द मिनिस्टर टू फॉरगिव हर एज शी वॉज वेरी पुअर। ओल्ड वुमैन ने मिनिस्टर को बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। देन द वाइज मिनिस्टर पुट सम क्वेश्चन टू द लीडर। फिर वाइज मिनिस्टर ने लीडर से कुछ क्वेश्चंस पूछे। मिनिस्टर व्हाट रिलेशन डू यू हैव विद अदर टू मैन। लीडर दे आर माय फ्रेंड्स। मिनिस्टर ने पूछा कि आपका और आपके जो साथी उन दोनों आपका क्या रिलेशन है। लीडर ने कहा वो मेरे फ्रेंड्स हैं। मिनिस्टर हाउ डज द पॉट ऑफ गोल्ड बिलोंग टू ऑल ऑफ यू। मिनिस्टर ने पूछा ये जो गोल्ड है पॉट का जो गोल्ड है गोल्ड से भरा हुआ जो पॉट है वो आप सबसे कैसे बिलोंग करता है, मतलब वो आप सबका कैसे है। द लीडर ट्रेम्बल्स विथ फियर एंड गिव्स नो आंसर। लीडर जो था वो घबरा गया डर के मारे, डर की वजह से, और उसने कोई भी आंसर नहीं दिया। मिनिस्टर फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस पॉट ऑफ गोल्ड। मिनिस्टर ने वापस पूछा कि आपने ये जो सोने से भरा हुआ पॉट है ये आपको कहाँ से मिला। द लीडर नाउ शिवर्स विथ फियर एंड गिव्स नो आंसर। अब जो लीडर था थीव्स का जो लीडर था वो डर के मारे धूझने लग गया और उसने अभी भी आंसर नहीं दिया। मिनिस्टर Where were you going in the night with the pot of gold? मिनिस्टर ने वापस पूछा कि आप कहाँ जा रहे थे नाइट के अंदर अपने साथ में सोने से भरा हुआ घड़ा लेके। द लीडर गिव्स नो आंसर। लीडर ने अभी भी कोई आंसर नहीं दिया। मिनिस्टर डिड यू टेल दिस वुमैन टू गिव बैक द पॉट ओनली टू ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर। मिनिस्टर ने वापस क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने ओल्ड वुमैन से कहा था कि ये जो पॉट है ये हम तीनों को एक साथ में देना। लीडर ने बोला येस वी डिड। लीडर ने कहा हाँ हमने कहा था। मिनिस्टर देन ब्रिंग योर फ्रेंड्स एंड आंसर माई अदर क्वेश्चन ऑल्सो। तो मिनिस्टर ने कहा कि चलो आपके फ्रेंड्स को बुलाओ और मेरे जो और क्वेश्चन है उनका आंसर भी मुझे दो। देन द ओल्ड वुमैन विल गिव द पॉट ऑफ गोल्ड बैक टू यू। अगर मुझे आप आंसर्स दे दोगे तो ओल्ड वुमैन जो है वो आपको सोने से भरा हुआ पॉट वापस दे देगी। द टू थीव्स वर वेरी मच टेरिफाइड। दे फियर लेस देयर सीक्रेट शुड बी डिस्क्लोज्ड। द टू थीव्स वर वेरी मच टेरिफाइड। दो चोर थे वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। दे फियर्ड लेस्ट देयर सीक्रेट शुड बी डिस्क्लोज। उनको डर था कि कहीं उनका सीक्रेट जो है वो बाहर ना आ जाए। सो दे गेव अप द केस। इसीलिए उन्होंने केस वापस ले लिया। द वुमैन वॉज ऑल्सो हैप्पी। वुमैन जो थी ओल्ड वुमैन वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ऑल द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रेज द मिनिस्टर फॉर हिज विजडम। और जितने भी पीपल थे जो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट थे उन्होंने मिनिस्टर को प्रेज किया, उन्होंने मिनिस्टर की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया। सो आई थिंक यू ऑल माइट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।